नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंग्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज थोड़ा सा करेंगे एनएफटी के ऊपर बात, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं एनएफटी के कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्टों की चर्चा हो रही है, और क्या वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए या केवल हवा हवा ही रहेगा, और मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए पहले तो लेते हैं मार्केट में क्या है। एक्चुअली देखिए, अभी मार्केट में मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बहुत क्लियर कट ये बोल दिया था कि भाई देखिए, अभी मार्केट आपका दिसंबर अब आपका ऐसे ही रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल BTC आपका 40,900 के समथिंग चल रहा है, तो वही 41,000 क्रॉस करता है फिर 40,000 वाली रेंज में आ जाता है। तो यहाँ देखिए, फिलहाल एक साइड में मूवमेंट जिसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ बियरिश होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं जो चलते रहते हैं, कभी थोड़ा नीचे तो कभी थोड़ा ऊपर। यहाँ केवल जो चीज़ें हैं वो वही हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो थोड़ा सा आजकल हॉलीडे पे जाने वाले हैं, तो उसी की वजह से आपको मार्केट में सुस्ती मिलने जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। ये आपके 800-900 हज़ार डॉलर का अप एंड डाउन तो चलता रहेगा। मे बी हो सकता है कि बिटकॉइन आपका 42,000 फिर से टच कर जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है 42,000। तो ये कहो कि बिटकॉइन अब 40,900 या 41,000 पर है तो अब ऊपर नहीं जाएगा, फिलहाल ये 10-15 दिन नीचे ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है साहब। बिल्कुल भी डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं तो ये कहूँगा। यहाँ तो आप, मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो भी आपका मन करता है आप बाय कर सकते हैं। कुछ अल्ट कॉइन्स हैं, कुछ मीम कॉइन्स हैं, जैसा आपके पोर्टफोलियो में जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं। ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे पहले कि जो आपका स्पॉट का ETF है वो अप्रूव हो। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी को आपको जो है खोना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है, थोड़ा सा आपको अपनी समझदारी होशियारी भी दिखानी है। क्योंकि देखिए, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा मिलता है किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो वो तो देखिए किसी भी चीज़ को अच्छा ही बताएंगे जिस चीज़ के लिए उनको पैसा मिलेगा। क्योंकि कुछ भाइयों ने मेरे पास NFT के लिए जो है, कि आजकल NFT के सब प्रोजेक्ट्स की काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी प्रमोशंस वगैरह भी हो रहे हैं NFT के प्रोजेक्ट्स की, क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई देखिए, मैंने आपसे अभी क्लियर कहा कि जिनको पैसा मिलेगा वो तो उसको अच्छा बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। अभी हफ्ते भर पहले ही मान लीजिए, क्या हफ्ते भर पहले से क्या किसी पीछे का आप देखिए जरा, क्या NFT का कोई चर्चा थी? ओपन सी प्लेटफॉर्म पर देखिए NFT की क्या हालत थी, यानी कि जितना खराब से खराब कंडीशन होती है वो NFT की ही थी। मैंने दो प्रोजेक्ट के बारे में बहुत पहले बोला था, अभी मुझे खुद याद नहीं मैंने कौन से महीने बोला, लेकिन मुझे पता है कि उस टाइम काफ़ी लोगों ने कहा था अरे सर NFT का ऐसे नहीं होगा, मेटावर्स का ऐसे नहीं, और मैंने जबकि बहुत क्लियर कहा था कि NFT और मेटावर्स ये दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो केवल प्रोजेक्ट में हाइप बनाने के लिए क्रिएट किए गए हैं, बाकी ये कहो कि इनका कोई यूज है ऐसा कोई खास यूज ही नहीं है। एक NFT है, NFT आखिर क्या है? एक आड़ी टेढ़ी आपकी तस्वीर, एक यही तो है और क्या है? उसको कोई क्यों लेना चाहेगा, उसका क्या यूज केस है? कोई यूज केस नहीं है। केवल क्या है कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उसका अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है, या इन्फ्लुएंसर्स का बेनिफिट हो जाता है जो उसको प्रमोट करते हैं, या अर्ली स्टेज में किसी ने उसको मिंट किया है, बाय किया है, उसका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जो लास्ट में जो बंदे आते हैं वो सब के सब डंप होने ही होने हैं। तो भाई देखिए, मैं तो कभी भी NFT वाले प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाता हूं, क्योंकि मुझे NFT पर कोई यकीन है ही नहीं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूं, देखिए सोच समझ सबकी अलग हो सकती है, आप कुछ अलग सोच सकते हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि NFT पे मेरा किसी तरह का कोई यकीन नहीं है। बेहतर है ये जो अभी आपको अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिल रही है, सबसे अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं वो है देखिए Web3 वाले, आप पैसा लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल नहीं तो 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। AI के हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाला वक्त बहुत सुनहरा है इसका, कभी भी ये आपके ब्लास्ट कर सकते हैं, कभी भी आपके ऊपर उड़ने सकते हैं, कभी भी अगर इलोन मस्क ने भी कोई एक छोटा सा ट्वीट कर दिया तो AI के टोकन्स अपने आप हवा में चलेंगे। ये क्या है? लॉन्ग लाइफ है, आगे तक जाने वाले हैं, या आपका DeFi के प्रोजेक्ट हैं, या फिर चौथी कैटेगरी में आपके देखिए जो एक्सचेंज वाले टोकन हैं, यानी कोई भी एक्सचेंज है उसका अपना टोकन होता है, कोई बहुत छोटा ही एक्सचेंज होगा शायद उसी का ना हो, वरना मोस्टली हर एक एक्सचेंज का, जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है या जितने भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सबका अपना अपना टोकन होता है, थोड़ा चले या ज्यादा चले लेकिन चलेगा जब तक वो एक्सचेंज जिंदा है। भाई एक्सचेंज खत्म तो फिर टोकन ऑटोमेटिकली खत्म मान लीजिए। तो मैंने आपको ये 3-4 कैटेगरी बताई, ये ऐसी कैटेगरी है जो थोड़ी बहुत सस्ती हो सकती है, थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं होंगी, ये कैटेगरी चलेंगी। NFT है,
डंप हो जाता है, फिर थोड़ा सा हाइप बना देते हैं लोग मिलके, एनएफटी फिर से थोड़ा सा जिंदा हो जाता है। तो वही चीज फिलहाल एनएफटी में चल रही है। तो कुछ प्रोजेक्टों के लोग प्रमोशन करने लगे हैं, तो भाई अब वो प्रमोशन करेंगे तो आपसे बाय भी करवाएंगे, क्योंकि उनका बेनिफिट तभी होगा, तभी उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट होगा। तो भाई थोड़ा सा आप यहाँ पर इस चीज का दिमाग जरूर लगाएं, क्योंकि एनएफटी को आप भी समझ सकते हैं कि आखिर है क्या ये, मुझे ये चीज चाहिए, कोई इसमें पैसा क्यों लगाएगा, केवल हाइप क्रिएट करने के लिए इसमें पैसा लगता है बस और कुछ नहीं। या मेटावर्स है आपका, क्या मेटावर्स का प्रैक्टिकली आपके लिए क्या यूज है? हम और आप अगर खरीदेंगे किसी को कोई भी प्रोडक्ट, तो मेटावर्स में हमारा क्या कोई यूज है? नहीं है। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का यूज हो सकता है, लेकिन हमारा तो कोई यूज है ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो। हम तो उसको एक तरह से क्या है कि फिएट करेंसी के रूप में भी कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं लेने देने में भी यूज नहीं कर सकते। हमारे लिए तो क्रिप्टो करेंसी का एक यूज है, वो भी लास्ट और पहला और आखिरी कहें तो वो है फिएट करेंसी के रूप में कहीं ना कहीं उसका यूज करना है, या फिएट करेंसी के रूप में नहीं तो कम से कम लेन देन के रूप में यूज करना। तो भाई यही हमारे लिए यूज बचता है। तो यहां मैं तो यही कहूंगा भाई, देखिए मैं तो अपना एनएफटी पर जो भी मैं सोचता हूं, जितना समझता हूं, उतना मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया। वैसे टेक्निकल भाषा में इसकी कुछ परिभाषा अलग ही है, तो वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भाषा यूज करो जो नॉर्मली लोग समझते हैं। तो वही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो भाई मुझे लगता है कि एनएफटी को लेकर अब आपके साथ डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, और फिलहाल जो आने वाला वक्त है या जो चीज़ें लॉन्ग लाइफ चलने वाली हैं उनका भी मैंने जिक्र आपके सामने कर ही दिया। आप कहोगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं जो मैंने कैटेगरी बताई है उनमें कुछ टोकन्स के नाम भी आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक एक कैटेगरी के हिसाब से। तो आप चाहोगे तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि भाई एनएफटी में एक्चुअली क्या वाकई में कुछ बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब मिलने वाला है। मेरे हिसाब से तो नहीं, केवल जब हाइप जहाँ तक रहेगी बस वहीं तक आए, कमाने वाले कमा जाएंगे और आप उसी इंतजार में रह जाओगे कि ये अब कब बढ़ेगा, और वो कभी नहीं बढ़ना। बहुत अच्छा मौका अभी आपको मिला है, देखिए बीएनबी के साथ भी। बीएनबी आपका देखिए अभी 235 पर आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपका 227 228 तक भी जा चुका है। तो देखिए अच्छा मौका है, एसआईपी कर सकते हैं। एक्सआरपी बहुत अच्छे रेट पर है अभी, एक्सआरपी में आने वाले वक्त में शायद आपको मौका ना मिले। सोलाना भी देखिए अभी आपका ठीक ठाक नीचे आ गया, लेकिन अभी आप सोलाना में थोड़ा सा वेट कर लें तो आप थोड़ा सा और इसको नीचे देख सकते हैं जो मार्केट के हालात हैं। लेकिन फिलहाल आप जो कंडीशन मार्केट की चल रही है, जो आप बीटीसी देख रहे हैं, अगर जैसे जैसे इसमें डाउनफॉल आएगा आप उसी हिसाब से अपनी एसआईपी को थोड़ा सा इंक्रीज करते जाइए, बढ़ाते जाइए। मान लीजिए अभी 200 का खरीद लिया, मार्केट और नीचे गया तो इनका रेट भी नीचे जाएगा, वहां पर आप 200 का खरीदिए। मान लीजिए और नीचे गया तो वहां पे आप 400 का खरीदिए, उससे क्या होगा, जब ये ऊपर आएंगे तो उसका उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो आप पहले स्टेज पर हमेशा पैसा थोड़ा कम लगाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मार्केट अभी ऐसा रहेगा कि थोड़ा नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा ऊपर जाएगा। तो यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पहले स्टेज में आप पैसा थोड़ा कम लगाएं, सेकेंड स्टेज से आप अपने थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ टोकन ऐसे हैं जिनमें आप देखिए बहुत अच्छा मौका है। कल मैंने आपको पोलकाडॉट के बारे में बता ही दिया था, आप यहाँ चेन लिंक को भी यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये भी एक अच्छी रेंज पे आ गया है। पॉलीगॉन मैटिक है, ये भी आपका एक अच्छी रेंज पे आ गया है। तो ये वो टोकन्स हैं जिनमें आपको कभी कोई बहुत ज़्यादा लॉस वाली उम्मीद नहीं है, आने वाले वक्त में इनके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही इनमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप जो मैं तो कहता हूँ मीम कॉइन्स में मोस्टली आप वो अपना फंड रखिए जो इंस्टेंट आपको निकालना है, इंस्टेंट आपको प्रॉफिट लेना है वो रखिए, क्योंकि वो 20-30-50-100% तुरंत दे जाते हैं। ये ऐसे हैं जो आपको देते रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक देते रहेंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट में अभी आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो चलिए एनएफटी के बारे में जरूर बताइएगा। बाकी एक जनरल वीडियो था, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि मार्केट में आज ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सुस्ती है, एक साइड पे मूवमेंट आप मान सकते हैं, क्योंकि फिर एंड ग्रीन इंडेक्स भी आपका थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आप देखिए 69 और 70 के आसपास पहुंच गया है, जो कि 82-83 के आसपास हुआ करता था। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो है आपका मार्केट कैप उस हिसाब से नहीं गिर रहा है, 1.54 ट्रिलियन अभी भी है। तो ये कहोगे मार्केट कैप बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं, मैं तो देखिए बुलिश हूँ, मुझे किसी तरह की यहाँ कोई अभी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नमस्कार।